सब लोग जानते हो ना कि भूमंडल क्या होता है। भूमंडल माने हमारी ये पूरी पृथ्वी। लेकिन ये पहले तो अलग, कहने को तो बहुत सारे यहाँ पर देश महाद्वीप सब अलग अलग हैं, लेकिन आज हमारा विश्व एक है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब है देशों के बीच में व्यापार, पूंजी निवेश, यात्रा और संस्कृति का आदान प्रदान या संचलन, उसको हम लोग भूमंडलीकरण बोलते हैं। भूमंडलीकरण में वस्तुओं के साथ साथ लोगों का भी संचलन होता है। संचलन का अर्थ होता है कि हम एक देश से दूसरे देश में जाना, मतलब आज आदमी भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। एक देश का कुशल श्रमिक दूसरे देश में जाता है और दूसरा देश उसको प्रयोग करता है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि भूमंडलीकरण का जन्म कैसे हुआ। इसका आरंभ माना जाता है कि 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में सिल्क रूट के माध्यम से हुआ था। सिल्क रूट चीन को मध्य एशिया, भारत और भूमध्य क्षेत्र से जोड़ता है। यह रूट मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया में 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है और इसके बीच में समुद्री यात्रा का, तुम लोग कह सकते हो, एक समुद्री मार्ग को आरंभ किया गया जिसको सिल्क रूट कहा गया। सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय चीन में मंगोल शासन था और चीन के अनेकों आविष्कार जैसे कि रेशम की मशीनें, छपाई की मशीनें, कागजी मुद्रा, ये सब केवल उन्हीं यूरोप के देशों को इसी रास्ते के माध्यम से जाता था। इसके अतिरिक्त इस यात्रा के कारण आपस में विश्व के अनेक देशों में और मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया में के देशों में विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ये भी कहा जाता है कि इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो मंगोल शासन काल में चीन में सरकारी कर्मचारी था और वहां पर वो 17 वर्ष तक रहा। उसी के यात्रा वृतांतों और अनुभवों से यूरोप के देशों को एशियाई देशों के बारे में जानकारी मिली। जब यूरोप को भारत और अन्य एशियाई देशों के बारे में जानकारी मिली तो उसकी इसमें रुचि पैदा हुई और उसने इन देशों से व्यापार आरंभ कर दिया। इस समय तक भारत का कपास, इंडोनेशिया के मसाले, मलाया का टिन और सोना, जावा का बाटिक और चीन का रेशम और कागजी मुद्रा यूरोप के देशों में आने जाने लगे। इस तरह से विचारों का तो आदान प्रदान हुआ ही, साथ ही बनी हुई वस्तुएं भी एक दूसरे देशों में जाने लगी, कच्चा माल जाने लगा और पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर किसी भी चीज का उत्पादन करने लगा। इसी बीच जब उत्पादन होने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जरूरत महसूस की गई, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि का स्थापना की गई। इनकी स्थापना से पूरे विश्व के व्यापार को बहुत अधिक बल मिला। जब धीरे धीरे ये सारे आसपास के छोटे छोटे विकासशील देश इस तरफ से बहुत अधिक आकर्षित हुए और वो उन्होंने इसको साथ देने की सोची, इस तरह से भूमंडलीकरण को बल मिला। भूमंडलीकरण मुख्य रूप से दो चीजों पर बल देता है, एक तो है निजीकरण की नीति और दूसरा है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति, तुम सोचोगे ये क्या होता है। उदारीकरण, उदार शब्द का अर्थ सब जानते हो, मतलब किसी काम में थोड़ा अधिक सुविधा देना, बहुत सरलता से कार्य करना। तो इसके लिए जो उद्योग से संबंधी और श्रम से संबंधी नियम है उनमें थोड़ी ढील दी गई और दूसरे देशों के उत्पादन इकाइयों को अपने देश में आमंत्रित किया गया कि वो आकर उत्पादन इकाइयां लगाएं और देश के विकास में थोड़ी मदद करें। इसी तरह से निजीकरण, सोचते होगे क्या होगा। निजीकरण का अर्थ है कि जो कंपनियां जो खुद की हैं, जिनमें कोई सरकारी हाथ नहीं होता, वो उन कंपनियों को उन चीजों का उत्पादन करने के लिए अनुमति दे दी गई जिसपे पहले उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन नीतियों से किसी भी देश में
विदेशी कंपनियों के आने से कुछ विकास को और अधिक बल मिलता है। भूमंडलीकरण के द्वारा ये काम बहुत ही आसानी से हो सका है। जब स्वतंत्रता मिली उस समय हमारे देश के विकास के लिए बहुत सी नीतियां बनाई गईं, लेकिन उनके सबसे जरूरी थी पूंजी, जो हमारे देश के पास नहीं थी। उसके लिए उसको विश्व बाजार अर्थात विश्व मुद्रा कोष से ऋण भी लेना पड़ा। ऋण लेने से हमारे विकास के कुछ हद तक तो उसको बल मिला, लेकिन उससे एक सबसे बड़ी परेशानी आ गई, वो है महंगाई और बेरोजगारी। क्योंकि विदेशी कंपनियां जब आएंगी तो मशीनें भी आएंगी, मशीनें होने से हमारे भारत में तो श्रम की अधिकता है ही, तो वे लोग बेकार हो गए। इसका ये तो हम लोग एक खराब पहलू मानेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इससे केवल नुकसान ही हुआ है, इससे हमें बहुत अधिक फायदा भी हुआ है। सबसे पहली बात कि हम जो है विश्व बाजार में एक प्रतिनिधि के रूप में आ गए हैं। हमारा देश भारत हर चीज में हस्तक्षेप कर सकता है, बीच में अपने विचार दे सकता है और अपनी नीतियों को विश्व के आधार पर आगे बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त जब हमारे पास अधिक आधुनिक मशीनें उपकरण आ गए हैं, तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि भारत में तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुत है, तो उसका भी पूरा प्रयोग होता है, जो कि जनहित के लिए ही है। हमारे देश में पहले सोने के सिक्के चलते थे, एक तरह से ये एक बहुत इतनी अधिक कीमती वस्तु का दुरुपयोग ही था। आज उसकी जगह कागजी मुद्रा आ गई, जो सभी लोग जानते हैं कि चीन की देन है। चीन जैसा देश जब कागजी मुद्रा प्रयोग कर सकता है, तो हमारा भारत क्यों नहीं। इस तरह से धीरे धीरे करके देश के विकास को बल मिला। इसका एक कहा जाता है, जैसे हर चीज के पक्ष और विपक्ष हैं, तो एक इसका विपक्ष ये भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कुछ नीतियां बनाते हैं, वे विश्व के सभी देशों के लिए बनाते हैं, जबकि हर देश की जरूरतें या परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसमें जो विकासशील देश हैं, उनको अपनी नीतियों को बदलना पड़ता है, जिसमें मुख्य प्रभाव पड़ता है श्रम संबंधी नियमों पर और पर्यावरण संबंधी नियमों पर। लेकिन उनको उनको थोड़ा बहुत सुविधा भी मिलती है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि भूमंडलीकरण के द्वारा हम विश्व के सभी देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे के पास लाते हैं, और किसी भी देश में कोई भी प्राकृतिक परेशानी हो, आपदा हो, अकाल हो, एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से भूमंडलीकरण एक बहुत लाभप्रद प्रक्रिया है।